इनकी याद दिलाते हुए ये बोलना पड़ता है कि ये कलाकार अक्सर पिता और जज का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। अब इनके सर पर सफेद बाल हुआ करते थे। ब्रह्म भारद्वाज एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी एक साल में 5 से 10 फिल्में रिलीज होती थीं। किन किरदारों में आते थे ये तो आपको पता ही होगा। इस वीडियो में उनसे जिंदगी से मुतालिक बातों पर हम बात करेंगे। ब्रह्म भारद्वाज का जन्म जलंधर में 25 अक्टूबर 1920 को हुआ। पेशे से किसान फैमिली में उनका जन्म हुआ था। फिल्म और रंगमंच की दुनिया से वो बहुत ज्यादा शौक रखते थे। उनका एक छोटा भाई अरुण भी था जिसने आगे चलकर फिल्म प्रोडक्शन में अपना योगदान दिया। ब्रह्म भारद्वाज ने अपना पारिवारिक काम छोड़कर माया नगरी मुंबई आने का फैसला किया, पर यहाँ उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था। उस दौर में उनके दोस्त आनंद बख्शी गुलशन बावरा थे जो खुद काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। पर भाग्य से ब्रह्म भारद्वाज को मुंबई आने का मौका भी तब मिला जब ये 32 साल के थे। इस उम्र में भला कौन उन्हें फिल्म का हीरो बनाता। उनकी कदकाठी भी उतनी ऊंची नहीं थी। किस्मती से अदाकारी के मामले में बाकी कलाकारों से तेज थे। किरदार चाहे किसी भी तरह का हो, भारद्वाज उस किरदार के रूप में ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे कि वो उनका असली चेहरा हो। इसी वजह से फिल्मकारों ने उन्हें चरित्र किरदार दिए। इसी लाइन में ये चलते गए। आपको हैरानी होगी कि इंटरनेट पर उनकी सिर्फ 200 फिल्में हैं, पर रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। हमारे मुताबिक ब्रह्म भारद्वाज हिंदी सिनेमा के पहले टाइपकास्ट कलाकार हैं जिनकी मौजूदगी हर फिल्म में होती थी। फिल्मकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपनी फिल्म में ब्रह्म भारद्वाज को जरूर कास्ट करते थे क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी जैसा कि हमने पहले बताया कि हर एक किरदार में फिट हो जाते थे। इसलिए फिल्मकार सोचते थे कि अगर उनके पास ब्रह्म भारद्वाज जैसा काबिल कलाकार है दूसरा कलाकार क्यों लेना है। रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी पहली फिल्म दायरा थी जो साल 1953 में रिलीज हुई थी, पर ये जानकारी गलत भी हो सकती है क्योंकि ब्रह्म भारद्वाज जैसे कलाकारों की पहली फिल्म ढूंढना नामुमकिन है। इतना तो पक्का है कि उनकी लास्ट फिल्म गुलारा 1994 में रिलीज हुई थी। 50 दहाई के भूले बसे कलाकार ईश्वरलाल ने इनको अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। शुरू में उनका नाम क्रेडिट्स में नहीं आता था, पर आगे चलकर पहचान के साथ धन और दौलत भी मिली। इसके अलावा गांव से छोटे भाई मुंबई आ गए। ब्रह्म भारद्वाज की पत्नी का नाम कौशल्या है जिनसे उन्हें 4 बेटियां और 1 बेटा हुआ। उनकी बेटी कविता भारद्वाज इंग्लैंड में रहती है। ब्रह्म भारद्वाज की डेथ लंबी बीमारी की वजह से 29 जुलाई 1989 को हुआ।